हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस पार्ट टू। तो लेट्स कंटिन्यू टुडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस पार्ट टू। पाइसिस को मैंने आपको बताया था, इसकी थ्री क्लासेस थी, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। मैं जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए आपको वो याद दिला रही हूँ। प्लेकोडर्मी जो थी वो एक्सटिंक्ट में थी, उसके बाद कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, जिसके अंदर जिसके डिफरेंसेस जो हैं हम या हम के करेक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस की जो सब क्लास है, दैट इज सिलेची एंड होलोसिफेलाई, और ऑस्टिक्थिस की जो सब क्लास है, सार्कोप्टेरिगी और एक्टिनोप्टेरिगी। तो अभी हम पहले बात करेंगे सिलेची एंड होलोसिफेलाई की। तो क्लास कॉन्ड्रिक्थिस की जो दोनों सब क्लासेस हैं, सिलेची और होलोसिफेलाई, उनके बारे में बात करते हैं। तो करेक्टर्स हम देखें तो यहाँ पर गिल स्लिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो गिल स्लिट्स हैं वो यहाँ पर मल्टीपल नंबर में है, मीन्स मोर देन वन। जैसे कि आपको कार्टिलेजिनस फिशेज में मैंने बताया भी था कि 1 to 7 इनका नंबर होता है, तो यहाँ पर मल्टीपल है, मीन्स मोर देन वन है। होलोसिफेलाई के अंदर सिंगल, एक ही गिल स्लिट होती है। इसी तरह और दूसरा, जो सिलेची के अंदर जो गिल स्लिट्स हैं वो स्किन फ्लैप से कवर रहती हैं, जबकि जो होलोसिफेलाई है उसके अंदर जो है वो कवर रहती है ओपरकुलम से। एक लिड लाइक होता है, ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे ओपरकुलम कहते हैं, उससे कवर रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पायरेकल की। तो स्पायरेकल जो है सिलेची के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आई के पीछे की तरफ होता है, जबकि होलोसिफेलाई के अंदर जो है स्पायरेकल एब्सेंट होता है। इसी तरह क्लोएका, क्लोएका आपको मैं बता चुकी हूँ, दैट इज़ ए कॉमन ओपनिंग फॉर जेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर क्लोएका प्रेजेंट होती है, जबकि होलोसिफेलाई के अंदर जो है क्लोएका एब्सेंट होती है, मीन्स वहाँ पर जो ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरोजेनाइटल सिस्टम के लिए वो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। यहाँ पर मैंने सिलेची का एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि हम इसको आगे और क्लासिफाई करेंगे, इसके ऑर्डर्स पढ़ेंगे, लेकिन होलोसिफेलाई को आगे क्लासिफाई नहीं किया गया है, तो मैंने इसका एग्जांपल यहाँ पर काइमेरा जो दिया है। तो आप देख सकते हैं जो काइमेरा है वो इस तरह की दिखाई देती है हमें, मीन्स यहाँ तेल थोड़ा डिफरेंट टाइप की, आपको जो नॉर्मल आप फिशेज में देखते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। बाकी जो है कि मतलब जो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और फिशेज जो नॉर्मली आपने देखी होंगी उससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। अब बात करते हैं सिलेची के जो ऑर्डर्स हैं वो, तो सब क्लास सिलेची के टू ऑर्डर्स हैं, प्लूरोट्रमेटा एंड हाइपोट्रमेटा। प्लूरोट्रमेटा और हाइपोट्रमेटा करेक्टर्स देखें तो यहाँ पर हम बॉडी शेप की बात करें तो यहाँ पर टिपिकली जो है स्पिंडल शेप बॉडी होती है। जैसे मैंने आपको जब कॉन्ड्रिक्थिस के करेक्टर्स थे उसमें डॉग फिश का एग्जांपल दिया था, डॉग फिश मीन्स स्कॉलिडॉन। तो जो डॉग फिश है उसकी मैंने आपको वहाँ पर स्पिंडल शेप बताया भी था कैसा होता है। तो यहाँ जो टिपिकली जो है स्पिंडल शेप होती है, जबकि जो हाइपोट्रमेटा है उसके अंदर थोड़ी सी जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली, मीन्स जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे सपोज ये बॉडी है डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड, यदि इसको हम थोड़ा प्रेस कर दें तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन, तो यहाँ पर डिप्रेस्ड एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होती है। फिर हम गिल स्लिट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सिलेची के अंदर हमने देखे थे गिल स्लिट्स जो है मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर 5 to 7 पेयर बट प्लेस्ड लेटरली, लेटरल साइड में होते हैं, मीन्स जो बॉडी सपोज ये है तो इसकी लेटरल साइड ये होती है, ये डोर्सल, ये वेंट्रल और ये लेटरल साइड, तो लेटरल साइड में जो है प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइपोट्रमेटा के अंदर 5 पेयर होते हैं और वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं, मीन्स नीचे की तरफ थोड़ा सा होते हैं। इसके बाद पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन जो है मॉडरेट साइज के, मतलब यहाँ पर हमने साइज से मतलब कि साइज मतलब एक मध्यम आकार के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा छोटे नहीं होते। कंस्ट्रिक्टेड एट बेस, और जो है बेस की तरफ थोड़ा झुके हुए, मतलब कंस्ट्रिक्ट रहते हैं, जबकि हाइपोट्रमेटा के अंदर जो है हम देखें जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, फ्यूज टू साइड्स ऑफ हेड एंड बॉडी, बॉडी के साइड्स और हेड पे की साइड पे जो है वो फ्यूज्ड रहते हैं। इसके बाद स्पायरेकल्स जो प्लूरोट्रमेटा के अंदर वो लेस एक्टिव होते हैं, जबकि हाइपोट्रमेटा के अंदर जो है वो हाईली एक्टिव होते हैं, प्रेजेंट तो हैं बट यहाँ हाईली एक्टिव हैं और यहाँ लेस एक्टिव हैं। यहाँ पर एग्जांपल है प्लूरोट्रमेटा का शार्क्स एंड डॉग फिश, और यहाँ पर स्केट्स एंड रेज। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि प्लूरोट्रमेटा में, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने डॉग फिश, और डॉग फिश कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जाम्पल
भी है, तो मैं आपको जो कॉन्ड्रिक्थिस के करेक्टरिस्टिक बताए थे वही सारे जो हैं करेक्टरिस्टिक यहाँ पर मेंशन होंगे। तो और आगे हम जो स्कॉलिडॉन या डॉगफिश को अलग से भी पढ़ेंगे, उसके भी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो कुछ करेक्टर्स वहाँ से भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यदि हमें क्लासिफिकेशन लिखना हो और उसमें यदि डॉगफिश के करेक्टर्स, तो डॉगफिश के करेक्टर्स हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसी तरह एग्जांपल स्केट्स एंड रेस, अब क्योंकि यहाँ कॉन्ड्रिक्थिस के करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े तो उसमें, और मैंने कहा डॉगफिश अलग से ही पढ़ेंगे, तो कॉन्ड्रिक्थिस के करेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ भी आएंगे, बट यहाँ हम जब मैं डॉगफिश पढ़ाऊँगी तो आपको उसके सारे जो, क्योंकि डिटेल स्टडी है उसकी थोड़ी सी, तो उसमें सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, लेकिन स्केट्स एंड रेस के भी करेक्टर्स मैं आपको बताऊँगी। तो अब देखते हैं ऑस्टिक्थिस में जो हम क्लासिफिकेशन की बात की थी हमने, सार्कोप्टेरिगी और एक्टिनोप्टेरिगी, इसकी टू सब क्लासेस थी। तो अब सार्कोप्टेरिगी और एक्टिनोप्टेरिगी के करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें फिन्स हम देखें तो सार्कोप्टेरिगी के अंदर जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो लेग लाइक अपीयरेंस होती है, या हम कह सकते हैं लोब लाइक पालयुक्त, एंड फ्लैसी बोनी सेंट्रल एक्सिस कवर्ड बाई स्केल्स। जो इसके फिन्स होते हैं वो थोड़ा लेग की अपीयरेंस या बिल्कुल फ्लैसी होते हैं, और जिनमें एक बोनी सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होती है, और उनके ऊपर जो है स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, शल्क होते हैं। जबकि जो एक्टिनोप्टेरिगी के अंदर देखें फिन्स तो पेयर्ड ही हैं लेकिन थिन होते हैं, ब्रॉड होते हैं, विदाउट बेसल लोब, कोई भी उनके अंदर लोब्स नहीं होते, लेकिन वहाँ पर डॉर्सल फिन रेज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है लेकिन यहाँ डॉर्सल फिन रेज प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ पर टू डॉर्सल फिन है, यहाँ सिंगल डॉर्सल फिन होता है। उसके बाद कॉडल फिन की बात करें तो कॉडल फिन जो है विद एपिकॉडल लोब होता है। इसके बारे में हम जब टाइप्स ऑफ कॉडल फिन की डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एपिकॉडल लोब क्या होता है। तो कॉडल फिन विद एपिकॉडल लोब, और जबकि यहाँ जो एक्टिनोप्टेरिगी है उसके अंदर जो एपिकॉडल लोब है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद बात करते हैं हम ऑल्फैक्ट्री सैक की। तो जो ऑल्फैक्ट्री सैक है सार्कोप्टेरिगी के अंदर जनरली जो है वो कनेक्टेड रहता है इंटरनल लेयर्स के द्वारा, इंटरनल नॉस्ट्रल के द्वारा माउथ से, जबकि यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती, माउथ कैविटी नॉट कनेक्टेड विद नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। कॉमन नेम कॉमनली इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लैसी बोनी जो है, जो लेग्स हैं इनके, या हम जो कहें फिन्स हैं वो फ्लैसी हैं, तो इसीलिए फ्लैसी और लो फिन और एयर ब्रीदिंग फिशेज भी कहा जाता है इनको, और इन्हें हम रे फिंड, क्योंकि यहाँ डॉर्सल फिन रेज प्रेजेंट होती हैं इसलिए इन्हें रे फिंड फिशेज भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम जो क्लास सार्कोप्टेरिगी है उसके जो टू ऑर्डर्स हैं, क्रोसोप्टेरिगी और डिप्नोई। क्रोसोप्टेरिगी और डिप्नोई की बात करें तो यहाँ जो हम करेक्टर्स देखें क्रोसोप्टेरिगी और डिप्नोई के, तो फिन्स जो हैं क्रोसोप्टेरिगी के अंदर पेयर्ड हैं, कॉडल फिन विद थ्री लोब्स, ठीक है, और यहाँ पर मीडियन फिन कंटिन्यूस टू फॉर्म डाइफाई सर्कल टेल। डाइफाई सर्कल के बारे में जब आपको कार्टिलेजनस फिशेज और बोनी फिशेज में के करेक्टर्स बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि डाइफाई सर्कल फिन किस तरह का होता है, बाकी और डिटेल में हम जब टाइप्स ऑफ फिन्स कॉडल फिन्स पढ़ेंगे तो उसमें भी बताऊँगी मैं आपको। इसके बाद प्री मैग्जिली एंड मैग्जिली यहाँ प्रेजेंट होती है जबकि यहाँ एब्सेंट है। इसी तरह इंटरनल नेयर्स यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, जबकि डिप्नोई के अंदर जो है इंटरनल नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पायरेकल्स इसी तरह देखें तो क्रोसोप्टेरी के अंदर तो स्पायरेकल्स प्रेजेंट हैं जबकि डिप्नोई के अंदर जो है एब्सेंट है। एयर ब्लैडर यहाँ पर क्रोसोप्टेरिगी के अंदर वेस्टिजियल मतलब रिड्यूस्ड होते हैं, जिनको नॉन फंक्शनल हैं, एग्जाम्पल है इसका लेटिमेरिया, जबकि जो डिप्नोई के अंदर जो है वो लंग लाइक होते हैं, सिंगल और पेयर्ड, एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका लेपडोसायरिन। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर सार्कोप्टेरिगी का जैसे मैंने अप टू ऑर्डर तक बता दिया, एक्टिनोप्टेरिगी का मैंने अप टू सुपर ऑर्डर तक बताया था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो एक्टिनोप्टेरिगी का क्लासिफिकेशन है वहाँ पर मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन का चार्ट बताया था उसमें अप टू सुपर ऑर्डर तक ही बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जो है ऑर्डर्स भी उसके कंटिन्यू किए हैं। तो ऑर्डर्स की यहाँ पर जो कॉन्डेस्टियाई है उसके टू ऑर्डर्स हैं,
पॉलिप्टेरी फॉर्म और एसिपेंसरी फॉर्म, जबकि होलिस्टियाई है उसके टू ऑर्डर्स भी टू ऑर्डर्स हैं, एमी फॉर्म्स और सेमी ओंटी। क्लूपी फॉर्म की बात करें तो इसके 15 ऑर्डर्स हैं, जिसमें क्लूपी फॉर्म्स, स्कोपेली फॉर्म्स, साइप्रिनी फॉर्म्स, एंगुली फॉर्म्स, बेलोनी फॉर्म्स, सिग्नेथी फॉर्म्स, ओफियोसिफेली फॉर्म्स, सिम्ब्रेंकी फॉर्म्स, मेस्टासिम्बेली फॉर्म्स, पर्सी फॉर्म्स, स्कॉर्पियनी फॉर्म्स, प्लूरोनेक्टी फॉर्म, एकाइनी फॉर्म्स, टेट्राडोंटी फॉर्म्स एंड लोफी फॉर्म्स। तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे अभी जो, क्योंकि डिटेल अभी बताऊंगी पॉलिप्टेरी फॉर्म, एसिपेंसरी फॉर्म और एमी फॉर्म्स और सेमी नोटी फॉर्म्स की, क्योंकि ये जो है क्लूपी फॉर्म है उसके जो 15 ऑर्डर हैं, इसलिए मैं उस पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा जो है वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर आप कंफ्यूज भी होंगे। तो जो टोटली जो क्लूपी फॉर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं हम जो कॉन्डेस्टिया के जो पॉलिप्टेरी फॉर्म और एसिपेंसरी फॉर्म की। तो पॉलिप्टेरी फॉर्म के स्केल्स और फिन्स देखें तो यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो रोम्बॉइड और गेनोइड टाइप के स्केल्स, एंड जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो लोब्ड होते हैं, मतलब जो स्केल्स हैं वो रोम्बॉइड और गेनोइड टाइप के और जो फिन्स हैं वो पेक्टोरल टाइप के, जबकि जो एसिपेंसरी फॉर्म्स हैं उस वो दे आर स्केललेस, या फिर उनके जो स्केल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं जिन्हें हम स्कूट्स कहते हैं। यहाँ पे स्केलेटन जो है ऑसिफाइड मीन्स कुछ बोनी होता है, जबकि एसिपेंसरी फॉर्म के अंदर जो है स्केलेटन वो कार्टिलेजिनस होता है। एग्जाम्पल है पॉलिप्टेरस, पॉलिप्टेरस को देखें तो हमें वो इस तरह का दिखाई देता है, यहाँ पर हमें डॉर्सल फिनलेट्स दिखाई देते हैं जो अलग अलग इस तरह से दिखाई देते हैं, जबकि एसिपेंसर में जो है हमें स्कूट्स वो इस तरह के निकले हुए एक हम के स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और इसकी जो टेल है वो इस तरह की होती है। अब बात करते हैं होलोस्टियाई की। होलोस्टियाई के अंदर दो आपको ऑर्डर्स बताए थे, एमी फॉर्म्स और सेमी ओनोटी फॉर्म्स। एमी फॉर्म्स के करेक्टर देखें, स्केल्स देखें तो वो यहाँ पर थिन होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं जो कि ओवरलैप टाइप के होते हैं, वो कि इसमें आप देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो रेम्बॉइड और गेनोइड टाइप के होते हैं जो ओब्लिक रोज में जो है वो अरेंज रहते हैं। स्नाउट मीन्स माउथ जो है वो यहाँ नॉर्मल होता है, राउंडेड होता है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जबकि यहाँ पर इलोंगेटेड होता है, बॉडी भी इलोंगेटेड होती है और स्नाउट भी जो है वो इलोंगेटेड होता है। डॉर्सल फिन की बात करें, एमिया के अंदर जो डॉर्सल फिन है वो काफ़ी बड़ा होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कितना बड़ा डॉर्सल फिन है ना। एग्जाम्पल एमिया दिया है तो जो एमी फॉर्म्स है वो एमिया उसका एग्जाम्पल है, और उसके अंदर डॉर्सल फिन जो है इलोंगेटेड होता है, जबकि जो सेमी ओनोटी फॉर्म है उसके अंदर जो डॉर्सल फिन है वो नॉर्मल साइज का भी एक मीडियम जो होता है उसी तरह का होता है, इसका एग्जाम्पल है लेपिडोस्टियस। तो इस तरह से हम देखें तो जो मैंने आपको कहा था पाइसिस का क्लासिफिकेशन का पार्ट टू वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा पार्ट थ्री।